नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 प्रमुख खबरों पर। पहली खबर मुंबई से जुड़ी हुई है। समीर बानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर मानहानि का केस दर्ज किया, 1.25 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, तो जहरीली हुई दिल्ली की हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 के साथ राजधानी की वायु गुणवत्ता हुई गंभीर, सांस लेना हुआ मुश्किल। तीसरी खबर का रुख करें तो बगदाद में इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी के आवास पर ड्रोन हमला, इस हमले में हुए कई लोग घायल। चौथी खबर T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है। वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच, भारत की किस्मत इसके परिणाम पर होगी निर्भर। बात करें अगली बड़ी खबर का, तो अमेरिका में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 42.9 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, लगातार चालू है वैक्सीनेशन। अगली खबर बिहार से है। बिहार के राजगीर में धर्म धम्म सम्मेलन आज, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी सम्मेलन में होंगे शामिल। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, तो लखनऊ में आज सपा में शामिल होंगे लालजी वर्मा और रामचल राजभर, रैली में लेंगे सदस्यता। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी की राष्ट्रीय कारिणी बैठक आज शुरू, समापन सत्र को संबोधित करेंगे स्वयं पीएम मोदी। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर का, तो मुंबई के कांदिवली की हंसा हेरिटेज बिल्डिंग में लगी आग, आग से झुलसकर दो लोगों की मौत, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद, बुझाई जा चुकी है अब आग। अगली बड़ी खबर कोविड से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल और असम में लगातार कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जहां पश्चिम बंगाल में 670 वहीं असम में 239 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 14 और असम में 2 मौतें हुई हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार।